खबर में बात करते हैं बहराइच की, जहां भगवान राम के वंशज माने जाने वाले महाराजा अग्रसेन को अग्रवाल समाज पिता माह के रूप में मानता है। वैष्णव समाज के संस्थापक कहे जाने वाले अग्रसेन महाराज की जयंती 26 सितंबर को होती है, इसलिए अग्रवाल समाज सितंबर माह के दूसरे पखवाड़े में तरह तरह के सामाजिक कार्यक्रम करता है। उसी कड़ी में इस वर्ष बहराइच की अग्रवाल महिला संघ ने सभ्याकृति नाम से एक कार्यक्रम किया, जिसका संदेश था कि आओ चले भारतीय संस्कृति और सभ्यता की ओर। गोंडा रोड स्थित विनायक रिजॉर्ट में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में यूं तो कश्मीर से लेकर राजस्थान तक के लोक नृत्यों से भारतीय समाज की समृद्ध संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन बच्चों द्वारा जो फैंसी ड्रेस कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, उसने भारत ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक पर्यावरण को कैसे बचाएं इसका संदेश दिया। इस फैंसी ड्रेस कार्यक्रम में बच्चों ने जूट से बने कपड़ों को पहनकर कैटवॉक के माध्यम से यह बताने के प्रयास किया कि हम कैसे पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, इसका भी संदेश दिया। इतना ही नहीं, किसी बच्चे ने डिस्पोजल गिलास तो किसी ने वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी पोशाक बनाई थी। आज पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर सभी चिंतित है। ज्योति जी, आज ये क्या कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम से क्या कहना चाहती थी आप? आज की हम अग्रवाल महिला संघ की तरफ से हमने भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक झलक दिखाने की कोशिश की। जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम सब युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर की तरफ दौड़ रहे हैं और वो भूल चुके हैं कि हमारी भारतीय और सभ्यता संस्कृति कितनी रंगीन, कितनी कलाकृतियों से भरी हुई थी। तो हमने अपने इस कार्यक्रम के थ्रू एक झलक दिखाई है, लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर वो अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए तो वो हमारी धरती से हमेशा जुड़े हुए। हमने इसमें फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में हमने जूट डिस्पोजेबल वगैरह यूज़ की, इसके थ्रू हम अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग प्लास्टिक्स और इन सब की तरफ इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं जिससे हमारी सृष्टि में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है, लेकिन अगर हम वापस से डिस्पोजेबल वगैरह यूज़ करने लगेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा, और अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और